हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 41। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 41। एक्सरसाइज 41 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप क्या करेंगे, अपने बुक में सॉल्व करेंगे। ओके, 1 to 6 देखिए, सिंपल एडिशन जैसा आप करते आए हैं वैसे ही वो सिंपल एडिशन है। बस पॉइंट के नीचे आपको अपने आंसर में पॉइंट लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये पॉइंट नहीं लगाते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और रुपीज़ का सिंबल देना आप नहीं भूलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर ये एडिशन करके आपको बुक में इस वजह से दिखाया गया है। ठीक है, सिंपल एडिशन है, जैसा कि आप सिंपल ऐड करते हैं सेम वही एडिशन है। केवल यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पॉइंट कहाँ है। पॉइंट के नीचे आप अपने आंसर में पॉइंट ज़रूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐड 1546 रुपीज़ 35 पैसे, 167 रुपीज़ 85 पैसे, 6 रुपीज़ 54 पैसे एंड 56 पैसे। अब इनको आप कैसे प्लस करेंगे, इनको आप सिंपल जैसे ये कॉलम में यहाँ पर अरेंज हैं ये नंबर, सेम ऐसे ही आप अपने कॉलम में इनको अरेंज करेंगे। कैसे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में आप रुपीज़ का सिंबल बनाइए सबके आगे, और उसके बाद देखिए कॉलम में कैसे अरेंज किया गया है, आप देख सकते हैं ना। ओके, 1546.35 पैसे, 167.85 पैसे, 6.54 पैसे एंड 56 पैसे। उसके बाद सिंपल एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही सिंपल एडिशन यहाँ पर भी होगा। ओके, व्हाट इज़ आवर आंसर, 1721.30 पैसे, है ना, 1721 रुपीज़ एंड 30 पैसे हमारा आंसर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नितिन बॉट सम गिफ्ट्स वर्थ 856 रुपीज़ एंड 65 पैसे, कन्फेक्शनरी गुड वर्थ ऑफ 268.85 पैसे एंड सम डेकोरेशन पीसेज वर्थ 93.5 पैसे ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे। नितिन ने गिफ्ट खरीदा है 856 रुपीज़ 65 पैसे का, कन्फेक्शनरी गुड्स खरीदे हैं उसने 268.85 पैसे का, और कुछ डेकोरेशन पीसेस उसने मतलब सजाने वाले कुछ सामान खरीदे हैं जो हैं 93 रुपीज़ 5 पैसे का। किस लिए, अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, अब उसने कितना टोटल खर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, हम रुपीज़ और पैसे को सबको प्लस करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिए कैसे ये प्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, 856.65 पैसे। कॉस्ट ऑफ कन्फेक्शनरी गुड्स, कन्फेक्शनरी गुड्स उसने कितने में खरीदा, 268.85 पैसे में। डेकोरेशन पीसेस जो थे उसने कितने में खरीदे, 93.5 पैसे में। अब इन सभी को आप सिंपल प्लस जैसे करते हैं वैसे सिंपल प्लस करेंगे, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 1218 रुपीज़ 55 पैसे। मीन्स ही स्पेंड इन ऑल 1218.55 पैसे। उसने टोटल कितना खर्च किया है, 1218 रुपीज़ 55 पैसे उसने टोटल खर्च किया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे आप सॉल्व करेंगे, मोना रिसीव्ड 1305 फ्रॉम हर मदर। मोना को अपनी मम्मी से 1305 रुपीज़ मिलते हैं। हर ब्रदर अमित रिसीव्ड 975 पैसे फ्रॉम हिज फादर, और अमित जो है उसको पापा ने कितने दिए हैं, 908 रुपीज़ एंड 75 पैसे। हु रिसीव्ड मोर एंड बाई हाउ मच, किसके पास ज़्यादा पैसा है और कितना ज़्यादा पैसा है, है ना। तो जैसा कि देखने से ही लग रहा है मोना के पास 1305 रुपीज़ हैं और अमित के पास केवल 908.75 पैसे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। मोना रिसीव्ड, मोना के पास कितने हैं, 1305 रुपीज़, ठीक। अमित रिसीव्ड 908.908 रुपीज़ 75 पैसे, इसमें से हम 1305 में से हम 908.75 को माइनस कर देंगे। सिंपल, आप जैसे माइनस करते हैं वैसा ही माइनस होगा। ओके, बस पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाना मत भूलिएगा। ओके क्लास, उसके बाद फिर क्योंकि मोना के पास ज़्यादा पैसे हैं तो हमारा आंसर होगा मोना रिसीव्ड मोर, और कितना ज़्यादा उसने पाया है, 396 रुपीज़ 25 पैसे अपने भाई से वो ज़्यादा पाई है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, टीना बॉट अ शर्ट फॉर
1265.85 पैसे। टीना ने एक शर्ट खरीदी है जिसका दाम है 1265 रुपीज़ 85 पैसे, ट्राउजर फॉर 896.45 एंड एन अंडरवियर फॉर 78 रुपीज़ 5 पैसे। एक ट्राउजर खरीदा है जिसकी कीमत है 896.45 पैसे और अंडरवियर खरीदा है 78.5 पैसे का। शी गेव 2500 टू द शॉपकीपर। वो उसने दुकानदार को कितना दिया है? 2500 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को, दुकानदार को दिए हैं। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक? अब उसे कितना रुपए वापस मिलेगा? ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे सबसे पहले जितना उसने खरीदा है उस अमाउंट को आप निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट की कीमत कितनी थी? 1265 रुपीज़ 85 पैसे। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर की कॉस्ट कितनी थी? 896 रुपीज़ 45 पैसे। कॉस्ट ऑफ अंडरवियर, अंडरवियर की कॉस्ट कितनी थी? 78 रुपीज़ 5 पैसे। ओके, इन सभी को आप प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर आप दुकान पे ही जाओ और दुकान पे अगर आप कई सारे आइटम खरीदते हो तो दुकानदार आपके खरीदे हुए आइटम को क्या करता है, उनकी कीमत को प्लस करता है, तो यहाँ पर भी आप प्लस कर देंगे। ओके, फिर टीना गेव शॉपकीपर, टीना ने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए? 2500 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए थे। अब आप 2500 रुपीज़ में से 2240 रुपीज़ 35 पैसे को आप माइनस करेंगे। ओके, माइनस करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 259.65 पैसे, यानी कि दुकानदार उसको कितना पैसा लौटाएगा? 259.65 पैसे उसको लौटाएगा। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आप दुकान पे जाओगे, दुकानदार से आपने जितना भी सामान लिया है दुकानदार उसको प्लस करेगा, उसके बाद अगर आप उसको 10 की या 20 की या फिर 100 की अगर नोट देते हो तो आपके दिए हुए नोट में से वो आपके लिए हुए सामान का दाम काटेगा, है ना, यानी कि वो माइनस करता है और बाकी जो पैसा बचता है वो आपको लौटा देता है। यहाँ पर भी आप वही करेंगे। ओके, टीना ने जितना उस दुकानदार को दिया है उसमें से उसके खरीदे हुए सामान के जो भी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसको आप माइनस कर देंगे एंड आवर आंसर इज 259.65 पैसा। ओके, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्लास, आपका क्वेश्चन नंबर 11-16 आप बुक में ही अपने फिल करेंगे, जो कि सब्ट्रैक्शन है। ओके, सब्ट्रैक्शन जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करना है, बस पॉइंट के नीचे आपका आंसर में भी पॉइंट होना चाहिए। ओके, इट इज़ कंपल्सरी, ये ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11-16 आप बुक में ही सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17-20 आप अपने कॉपी में सॉल्व करोगे। ओके क्लास, थैंक यू।